फ्रीक्वेंसी बैठे एग्जाम्पल पांच आप मैं 12 चैप्टर 14 चैप्टर करा रही हूँ दो पांच सात ये अच्छे से करें और 14.1 का दूसरा तीसरा नवा और 14.2 का आपको पहला और तीसरा अच्छे से करें 14.3 का पहला दूसरा बस हर एक को तो सवाल कर ले बच्चों आपका क्लास 10th एमपी बोर्ड में काम हो जाएगा तो लेट अस स्टार्ट 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 ये कोई कॉलम दिया मुझे 7, 8, 2, 2, 1 ये दिया मुझे अब मुझे क्या करना है बहुलक जब भी ज्ञात करना हो तो बच्चों सेकेंड वाली लाइन फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में जो बड़ी संख्या उसे ध्यान में रखें तो ये मेरा F1 है बेटे ध्यान दें ये F0 तो ये मेरा F1 जहाँ F1 है वहीं आगे मेरे को दिख रहा है 3 लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट L हो गया 5 में से 3 गया तो H आ गया 2 ये सिस्टमेटिक लिखना फार्मूले में रख दो Z बराबर L का वैल्यू 3 F1 8 है F0 7 है 2, 8, 7 - 2 H का वैल्यू 2 आया ध्यान दे 5 में से 3 गया तो H बराबर 2 वैल्यू रख दो इसको कॉलम वाइज लिखना चाहिए यहाँ F0 7, F1 8, F2 2, L कितना 3 और H अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ Z = 3 8 में से 7 गया 1 8 × 16 माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस का चिन्ह इंटू 2 दो एक कम 7 बस आड़ा बाका 7 × 3 दो एक कम बटे 7 23 में बेटे 7 का भाग देना 3.286 लगभग आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मैंने INT भी दे दी है क्या क्या करना है